नमस्कार, आप देख रहे हैं सरदार को। मैं रविंद्र सिंह लड्डू। श्री श्री बसंती पूजा उत्सव अचरक घाट पटना सिटी में। आज दशमी है और दशमी में देखिएगा माता रानी को आज विदाई देनी है, अंतिम विदाई देनी है। और लोग विदाई के पूर्व पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ जब देखिएगा तो सिंदूर खेला यहाँ पर खेला जा रहा है। उत्साहित रूप से महिलाओं द्वारा और मुख्य सिंदूर खेला हो रही है। ऐसे मानना है कि जो होली का जो होता है वो सिंदूर खेला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी को जब विदाई दी जाती है तो इसी तरह का होली खेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ जब देखिएगा तो अभी भी पंडित जी हैं और लोग पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पर माता रानी से दर्शन करने के उपरांत यहाँ देखिए तो सैकड़ों महिलाएं लोग एक साथ में यहाँ पर मानना है कि माता रानी को खुश करने के लिए सिंदूर खेला गया है। मानता है कि सिंदूर खेला अच्छा सुहागों के लिए बहुत अच्छी चीज है। नौ दिन माता रानी का पूजा अर्चना हम लोग करते हैं और आज के दिन ऊपर सिंदूर लगा के अपने सुहाग का, अपने परिवार के सुख समृद्धि का कामना करते हैं। आज सिंदूर दान महादान किया जाता है। आज के दिन दशमी है और हम लोग सिंदूर दान करके माता रानी को खुश करते हैं ताकि हमारा सुहाग हमेशा बना रहे और हो सके तो हम अगले साल हमारे माता रानी को खुश करने के लिए और अपने सुहाग की अमर कामना के लिए सुरक्षा के लिए यह किया जाता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। आज दशमी है, दशमी का पूजा आज विसर्जन हो गया है। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ सिंदूर खेला का उदाहरण है। सिंदूर खेला में लेडीज लोग का हो रहा है। मेरा नाम आशीष बनर्जी है, कलकत्ता से मैं आया हूँ, इसीलिए यहाँ का पूजा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सिंदूर खेला यहाँ देखे उत्साहित रूप से बोली देवी मैया की। आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे लेकिन एक हर्ष की बात है। चैत नवरात्र के बाद आज विजयदशमी है। जी विजयदशमी है, विजयदशमी है। बहुत दुखी है हम लोग माता रानी के विदाई करके। हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत माँ को विदाई करने में बहुत दुख होता है, इसलिए हम लोग चलिए डांस कर रहे हैं। मेरे घर पर आएंगे, खुशी में नाच रहे हैं। हम लोग घर में खुशियाँ और खुशी मना रहे हैं। माता रानी की विदाई के उपरांत में हम लोग गम की खुशी मना रहे हैं। अब माता अगले साल जरूर आएंगी और ये खुशी हम लोग खूब मनाते हैं कि फिर हर साल हम लोग खुश में रहे हैं। क्या बात है,
इसी तरह हर साल खुशी होता रहा है। चलिए इसी तरह हर साल खुशी होता रहा है। बोली देवी मैया की। ऐसे साठू आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय माता दी।